हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा सेशन है ये थ्योरी का रहेगा, जिसमें हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हमारी माइक्रोमीटर की हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीछे का वीडियो वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपने वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो को पहले वॉच करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। पहले आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू वॉच करेंगे, तभी आपको सारा कुछ सही से समझ आएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, जैसे कि उसमें हमने किसका निकाला था, मेट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निकाला था। सेम उसी टाइप से क्या ब्रिटिश माइक्रोमीटर में भी क्या होती है, जो हमारे स्लीव हो या फिर एनविल स्पिंडल, जिस पर भी बेरल या स्लीव पर क्या होती है, चूड़ियां कटी होती है उसके अंदर। अब वो क्या होती है, इंच में कटी होती है, उसकी पिच किस में होती है, इंच में होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर व स्लीव या बेरल के अंदर 1 इंच की दूरी में 40 चूड़ियां सिंगल स्टार्ट में कटी होती है, अतः इसकी पिच और लीड 1/40 इंच होती है, अर्थात स्पिंडल को एक चक्कर घुमाने पर 1/40 इंच आगे बढ़ता है, जिसे थिम्बल के 25 विभाग तय करते हैं। अब मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितने भाग थे, 50 भाग थे, ठीक है, और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में कितने, थिम्बल के 25 भाग है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 1 इंच की दूरी में कितनी, 40 चूड़ियां कटी है, और वहां कितनी थी, 25 mm की दूरी में 50 चूड़ियां कटी थी, यानी कि 0.5 mm की पिच से। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यही डिफरेंस है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार निकलेगा। जैसे इसने क्या किया, जो 40 चूड़ियां कटी है 1 इंच में, तो इसने क्या कर दिया, 1 इंच बटे 40, यानी कि 1 का आ गया भाग 25, थिम्बल के कितने भाग है, 25। अब 25 को इसने किया मल्टीप्लाई, किया 25 चौके 100 हजार, ठीक है, 1 को 1 से किया 1 इंच, 1/1000 इंच, 1000 का 1 में भाग दिया, तो 0.001 इंच हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रिटिश प्रणाली में लिस्ट काउंट है। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में लिस्ट काउंट कितना होता है माइक्रोमीटर का, 0.01 mm होता है। ठीक है, तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्रिटिश प्रणाली का आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि कितने इंच की दूरी में कितनी चूड़ियां कटी होती है, थिम्बल डिवीजन कितने रहते हैं, और उसका जो निकलेगा कैसे कैसे हम फॉर्मूला सेट करेंगे। जैसे अल्पतमांक का फॉर्मूला भी दे रखा है, माइक्रोमीटर की पिच बटे कुल थिम्बल डिवीजन, डायरेक्ट जैसे मैंने पहले निकाला था मीट्रिक प्रणाली वाला, उसमें क्या किया था मैंने, माइक्रोमीटर की पिच बटे कुल थिम्बल डिवीजन ही तो लगाए थे, 50 विभाग ही तो लगाए थे उसके। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल कर आ गया था हमारा, सेम वही ये बोल रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। ठीक है, इरेज कर देता हूं यहां से, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला है, नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपिटिशन लेवल में क्या होती है, टाइम की बहुत ही वैल्यू रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक याद करिए, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का तो अल्पतमांक हमने निकाल लिया था, तो इसमें दोबारा टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारे डाउट्स है वो मीट्रिक माइक्रोमीटर के क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्या इसमें निकाला हुआ है, 0.01 mm। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट इसमें दिया है माइक्रोमीटर में लोक नट का क्या प्रयोग है। माइक्रोमीटर में लोक नट जो लगा होता है, किसके साथ में लगा होता है, जो फ्रेम जहां पर क्या बेरल या स्लीव से फ्रेम जुड़ा रहता है, यहां पर क्या एक लोक नट लगा होता है, फिगर में सबसे पहले ही दिखाया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, माइक्रोमीटर से माप लेते समय रीडिंग हिल ना सके। माइक्रोमीटर से हम माप ले ली, मान लिया कि हमने माइक्रोमीटर से माप को क्या कर लिया, चेक कर लिया। ठीक है, जैसे कि कोई मोबाइल फोन है, अब उसकी क्या विड्थ हमें मोटाई चेक करनी है, माइक्रोमीटर लेकर आए, माइक्रोमीटर से हमने क्या किया, माप को सेट किया, सही साइज में चेक तो कर लिया, लेकिन जैसे ही हम माइक्रोमीटर को बाहर निकालेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत हिल जाए, कम ज्यादा हो जाए रीडिंग, तो इसके लिए क्या लोक नट लगा होता है, तो लोक नट से क्या स्पिंडल है वो जाम हो जाता है। ठीक है, तो क्या स्पिंडल जाम हो जाएगा, तो जब हम माइक्रोमीटर को मोबाइल फोन को बाहर निकालेंगे माइक्रोमीटर से, तो हिल नहीं पाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी के काम में क्या आता है, लोक नट काम में आता है। इसके लिए लोक नट से स्पिंडल को जाम कर देते हैं, इसके लिए किसके लिए, रीडिंग हिल ना सके, इसके लिए इससे शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है, लेकिन माइक्रोमीटर को लोक करके कभी भी गेज की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे लोकिंग स्क्रू भी कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, माइक्रोमीटर को लोक करके गेज की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए,
और जो लोक नट होता है इसको लॉकिंग स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है, रीडिंग को लॉक करने के लिए, स्पिंडल को जाम करने के लिए माइक लॉक नट का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया आउटसाइड माइक्रोमीटर का चित्र बनाकर उसके पार्ट्स। अब क्या इसका फिगर बनाकर इसके पार्ट्स हमें दर्शाने हैं, तो बिल्कुल सिंपल से है, कोई इसके ज्यादा पार्ट्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मली है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, पहले ही क्लियर कर दिया था। सबसे पहले यहां से चलते हैं, तो ये एनविल है, ठीक है, एरो के निशान भी लगे हुए हैं तो आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये इसका फ्रेम हो गया। ठीक है, फ्रेम है। अब इसमें क्या है, एक चीज यहां पर नहीं दी हुई है। एक चीज क्या नहीं दी हुई है, वो नहीं दिए इसका लिस्ट काउंट या इसकी सॉरी रीडिंग के अधिकतम कितना माप सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर ये ब्लैक पट्टी बनी हुई है, यहां पर क्या होगा, आपको माइक्रोमीटर में लिखा हुआ मिलेगा 0 से 25 mm ओब्लिक 0.01 mm। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, इतने में ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इतने में। ठीक है, क्या मिलेगा, 0 से 25 mm ओब्लिक 0.01 mm। तो इसका मतलब है कि हमारा माइक्रोमीटर है वो 0 से 25 मिलीमीटर की रेंज का है, और उससे हम मिनिमम है वो 0.01 मिलीमीटर की रीडिंग है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसकी रेंज लिखी हुई मिलेगी और इसका लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर पर लिखा हुआ यहां पर मिलता है। ठीक है, ये जो ब्लैक पट्टी दे रखी है यहां पर लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है प्रिंट ना हुआ हो। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं फ्रेम के बाद में। फ्रेम पर क्या क्या मिलेगा, लिस्ट सॉरी इसका रेंज मिलेगी माइक्रोमीटर की, कि कितनी रेंज तक का माइक्रोमीटर हमारा, 0 से 25 का है, 25 से 50 का है, 50 से 75 का है। एक बात और ध्यान में रखिए डियर फ्रेंड, माइक्रोमीटर है वो किस रेंज में आगे बढ़ते हैं, तो वो 25 mm की रेंज में आगे बढ़ता है, 25 mm के डिफरेंस से, 25 mm के। ठीक है, 25 mm से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि 0 से 25 का मिलेगा आपको, फिर 25 से 50 का माइक्रोमीटर मिलेगा, फिर 50 से 75 का मिलेगा, 75 से 100 mm का मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपको, यानी कि 25-25 के गैप से मिलेगा। ठीक है, न कि ऐसा कि 0 से 25 फिर 25 से 75, ऐसा नहीं मिलेगा, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 mm, इस गैप में क्या हमें माइक्रोमीटर मिलता है। जैसे हम आगे रीडिंग निकालना सीखेंगे, इसकी रीडिंग जब इसकी निकालना सीखेंगे आगे, तो वहां पर आपको बता दूंगा मैं कि कैसे रहता है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, कौन सा कितना रहता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा एनविल हो गया, फ्रेम हो गया, उसके बाद आता है स्पिंडल। स्पिंडल है ये, अभी ये जो कार्बाइड की टिप है इसके आगे क्या है, ये दोनों तरफ ब्लैक वाली है, ये क्या है, कार्बाइड टिप। ठीक है, ये क्या है, कार्बाइड की टिप लगी हुई है दोनों तरफ, स्पिंडल और एनविल पर कार्बाइड की टिप लगी हुई है, जो ब्लैक ब्लैक पट्टी दिख रही है, ये इसलिए होती है कि जब हमारा क्या है माइक्रोमीटर का स्पिंडल या एनविल जोब के टच में आता है, जोब के संपर्क में आता है, तो घिसने ना पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसको कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है इसके आगे। माइक्रोमीटर जो नॉर्मली होता है वो इनवायर स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, माइक्रोमीटर किसका बना होता है, इनवायर स्टील का बना होता है। अगर इसके फ्रेम की बात करें तो क्या होता है, कई माइक्रोमीटर के फ्रेम है वो फोर्ज स्टील या फिर कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक माइक्रोमीटर में होते हैं जिसके फ्रेम है वो फोर्ज स्टील या फिर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब इनवायर स्टील का माइक्रोमीटर क्यों बनाया जाता है, तो इनवायर स्टील होता है उसमें क्या होता है, प्रसार बहुत कम होता है, बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है इनवायर स्टील पर, तो इसीलिए इनवायर स्टील का बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही बारीक मापी औजार है, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, अगर इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो क्या ये खराब हो जाएगा जल्दी, तो इसके लिए क्या है, इसको उससे बचाने के लिए इनवायर स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लॉकिंग स्क्रू या लॉक नट जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो ये वाला है, वो क्या है, ये हमारा लॉक स्क्रू है। इसके बाद में आ गया बैरल या स्लीव। ठीक है, अब बैरल या स्लीव आ गया, बैरल या स्लीव पर क्या कटी होती है, बैरल या स्लीव पर मेन डिवीजन और थिम्बल डिवीजन होती है। बैरल या स्लीव पर क्या होती है, मेन डिवीजन और सब डिवीजन होती है। ठीक है, मेन डिवीजन और सब डिवीजन कटी होती है बैरल और स्लीव पर। बैरल या स्लीव एक ही चीज है, इसके ऊपर मेन डिवीजन और सब डिवीजन कटी होती है। नेक्स्ट है हमारा थिम्बल, थिम्बल के ऊपर जो ये डिवीजन है ये कौन सी होती है, ये थिम्बल डिवीजन होती है। ठीक है, ये कौन सी है,
ये थिम्बल डिवीजन है जो इसके ऊपर कटी हुई है, टेपर बाग पे जो ये दिख रहा है जीरो, इधर 15 दिख रहा है, आगे 5 दिख रहा है, ये कौन सी है? ये थिम्बल डिवीजन है। उसके बाद थिम्बल के पीछे के बाग पर क्या नल लिंक हुई होती है ताकि हाथ से घुमाने में आसानी रहे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा रेचेट स्टॉप, सबसे लास्ट में क्या है? रेचेट स्टॉप है। अब रेचेट स्टॉप पे भी क्या होती है? नर्लिंग कटी हुई होती है, क्योंकि इसका काम भी क्या होता है? माइक्रोमीटर की रीडिंग को सेट करने के लिए हाथ से घुमाने के काम में आता है, तो हाथ की फिसलन ना हो इस वगैरह से, इसके लिए क्या क्या होता है? इन पे नर्लिंग की हुई होती है, ठीक है। बहुत से पार्टों पे की हुई होती है, बहुत से टूल्स पर क्या है नर्लिंग की हुई आपको मिल जाएगी। तो वो किस लिए होती है नर्लिंग? ताकि हाथ फिसल ना सके, ठीक है। अब इसके बारे में क्या, इनके पार्ट्स के बारे में हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, इनके पार्ट्स की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सारा कुछ। सभी पार्ट्स तो आपने देख ही लिए हैं, ठीक है, तो बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात रहेगी। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रेम। माइक्रोमीटर का फ्रेम है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। यह इनवार स्टील, कास्ट आयरन और फोर्ज स्टील का बनाया होता है, लेकिन नॉर्मली इनवार स्टील हमें राइट आंसर करना है। अगर जैसे कि क्वेश्चन में दिया है इनवायर स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील या फिर अन्य कोई और धातु है, तो आपको चूज कौन सा आंसर करना है? इनवायर स्टील करना है, ठीक है। अगर इनवायर स्टील नहीं है तो कास्ट आयरन कर सकते हैं, और कास्ट आयरन नहीं है तो फोर्ज स्टील भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और अल्पतमांक लिखा होता है। माइक्रोमीटर का साइज यानी माइक्रोमीटर की रेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 से 25 mm, ये माइक्रोमीटर का साइज हो गया। ओब्लिक 0.01 mm, तो ये क्या हो गया? लिस्ट काउंट हो गया। ये दोनों चीजें क्या फ्रेम पर लिखी हुई मिलती है, ठीक है। सेकंड में है एनविल, ठीक है। एनविल क्या है? फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है, यह इनवायर स्टील की बनी हुई होती है, इसके फेस कार्बाइड के बने होते हैं ताकि घिस ना सके। इसके टिप क्या कार्बाइड की क्या टिप लगाई हुई होती है एनविल पर, दिखाया था आपको, ब्लैक कलर की थी। इसके ऊपर जॉब रखकर क्या उसका माप है वो मापा जाता है एनविल से, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिंडल। स्पिंडल में क्या है? माइक्रोमीटर का स्पिंडल भी इनवायर स्टील का बना हुआ होता है, इसकी मापने वाली सतह कार्बाइड की बनी होती है, इसके ऊपर भारी चूड़िया कटी होती है। स्पिंडल के ऊपर क्या होती है? भारी चूड़िया कटी होती है, और बैरल या स्लीव के ऊपर अंदरूनी चूड़िया कटी हुई होती है, ठीक है। बैरल या स्लीव पर पूछ लिया जाए तो अंदरूनी चूड़िया, और स्पिंडल पर बाहरी चूड़िया कटी हुई होती है, ठीक है। जो मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच में 40 चूड़िया होती है, और ब्रिटिश प्रणाली में 25 मिलीमीटर में 0.5 mm पिच की चूड़िया कटी होती है, यानी 25 mm में कितनी? 50 चूड़िया कटी हुई होती है। नेक्स्ट है लोक नट, जो हमने अभी देखा था लोक नट। माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप को स्थिर रखने के लिए लोक नट का प्रयोग किया जाता है, यह बाहर से नर्लिंग किया हुआ रहता है। लोक नट के बाहर नर्लिंग की रहती है, वो नर्लिंग क्यों की जाती है? हाथ को फिसलने से बचाने के लिए, हाथ की पकड़ मजबूत बनाने के लिए क्या है नर्लिंग की हुई होती है। यह स्पिंडल को जाम करता है, स्पिंडल को लॉक करके क्या है, स्पिंडल को जाम करके क्या है रीडिंग को एक जगह लॉक कर लेता है, रीडिंग को एक जगह सेट कर लेता है, ताकि क्या हम आसानी से उसको पढ़ सके, हमारी रीडिंग है वो कम ज्यादा ना हो पाए किसी कारण से। नेक्स्ट है 5 नंबर, स्लीव हब या बैरल, ठीक है। स्लीव या बैरल को हब भी बोल सकते हैं, बाय चांस हब मिलता है या फिर स्लीव या बैरल ही ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या है? माइक्रोमीटर की स्लीव अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर चूड़ियां कटी हुई होती है, और इसके बाहर डॉटम लाइन व ग्रेजुएशन अंकित होती है। डॉटम लाइन कौन सी होती है? एक जीरो से एक ऐसे लाइन जाती है, उसको डॉटम लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर ग्रेजुएशन अंकित होती है, कौन सी? मेन डिवीजन और सब डिवीजन, ये ग्रेजुएशन होती है। ये किसके ऊपर होती है? बैरल या स्लीव के ऊपर ही होती है, मेन डिवीजन और सब डिवीजन आपको बताया था, उसी के बारे में क्या है इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें थिम्बल। नेक्स्ट क्या हमारा? थिम्बल है। थिम्बल में क्या है? माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर थिम्बल होती है, इसको घुमाने से स्पिंडल घूमता है, इसका एक किनारा बेवल एज होता है, जिसकी पूरी परिधि को बराबर भागों में बांटा जाता है। अब थिम्बल को क्या, पूरी परिधि जो होती है इसकी, क्योंकि थिम्बल हमारा राउंड होता है, तो इसको क्या बराबर भागों में बांटा जाता है। थिम्बल के एक भाग की जो दूरी होती है वह माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहलाता है। लिस्ट काउंट कौन सा होता है माइक्रोमीटर का? थिम्बल के एक भाग का मान होता है, वही माइक्रोमीटर के
लीस्ट काउंट होता है। इसका बाहरी भाग नर्लिंग किया रहता है, इसके पीछे के साइड में क्या होती है नर्लिंग की भी रहती है ताकि हाथ से घुमाने में क्या फिसलन वगैरह ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है रेचेट स्टोप। तो रेचेट स्टोप का क्या काम होता है, माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर रेचेट स्टोप लगा रहता है, इसके द्वारा सभी व्यक्ति बराबर माप मापते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से थिम्बल ज्यादा नहीं घूमता है, इसलिए शुद्ध माप लेने के लिए रेचेट स्टोप होना जरूरी है। रेचेट स्टोप का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे क्या समान प्रेशर लगेगा, चाहे कोई कमजोर व्यक्ति हो चाहे ताकतवर व्यक्ति हो, रेचेट स्टोप से एक समान प्रेशर लगाएंगे, दोनों व्यक्तियों से एक समान प्रेशर ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि एक निश्चित दबाव के बाद रेचेट स्टोप फ्री हो जाता है, वो टर टर की आवाज करने लगता है। ठीक है, लेकिन थिम्बल से अगर हम टाइट कर रहे हैं तो कमजोर व्यक्ति वो कम टाइट कर पाएगा, लेकिन ज्यादा ताकतवर व्यक्ति वो क्या करेगा, उसको ज्यादा घुमा सकता है तो ज्यादा टाइट हो जाएगा, तो उससे क्या रीडिंग क्या शुद्धता में नहीं माप सकते हैं जितनी शुद्धता में हम रेचेट स्टोप से माप सकते हैं, इसीलिए रेचेट स्टोप का प्रयोग करते हैं बहुत ही शुद्ध माप के लिए। इसका प्रयोग करने पर जब दबाव पूरा हो जाता है तो यह टर टर की आवाज देता है, जिसके बाद दबाव नहीं देना चाहिए, यानी कि इसका क्या प्रेशर पूरा होता है, जैसी प्रेशर की लिमिट पूरी होगी ये टर टर की आवाज करने लग जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हमें और दबाव है वो थिम्बल के द्वारा नहीं देना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि माइक्रोमीटर के द्वारा अपने बाल के साइज को भी आप माप सकते हैं 0.001 mm तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेफ और अनसेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं। सेफ और अनसेफ माइक्रोमीटर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये रेचेट स्टोप से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस माइक्रोमीटर की रेचेट स्टोप काम करती है उसे सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा मापा गया माप शुद्ध होता है। ठीक है, जिस माइक्रोमीटर का रेचेट स्टोप काम करता है उसको क्या सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं, इससे मापा गया माप होता है वो शुद्ध होता है। जिस माइक्रोमीटर की रेचेट स्टोप काम नहीं करती है उससे मापा गया माप शुद्ध नहीं होता है, इसलिए इसे अनसेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे अनसेफ माइक्रोमीटर कहते हैं, क्योंकि इसका रेचेट स्टोप काम नहीं कर रहा है तो क्या वो बिल्कुल करेक्ट रीडिंग हमें नहीं दे पाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट रीडिंग देगा तो वो अनसेफ हो गया, सेफ होगा तो वो बिल्कुल करेक्ट रीडिंग हमें प्रदान करेगा। ठीक है, उसी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। इसके साथ ही हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन भी मिलेगा आपको ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे के ऑल वाले बटन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब रिक्वायरमेंट की भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको स्पेशल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो और हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप उस क्वेश्चन क्विज में भी पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।